अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। आज ईद उल अज़हा है एंड आप सब लोगों को ईद मुबारक। पांच चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए ईद उल अज़हा के बारे में, एंड दिस इज़ ईद स्पेशल एपिसोड विद मैच्योर माइंड्स। इसमें हम देखेंगे कि ईद उल अज़हा बेसिकली है क्या चीज़ एंड ये किस तरह मुसलमान इसको मनाते हैं। दिस इज़ अ गैदरिंग ऑन द ओकेजन ऑफ ईद प्रेयर। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon to get full updates from our channel. PDF के लिए आप या Facebook से Mature Minds पेज पे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वेल, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, और ज़्यादातर दुनिया में 31 जुलाई को ये ईद मनाई गई थी एंड कुछ कंट्रीज़ में 1 अगस्त को भी मनाई गई थी, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक में 1 अगस्त को ईद मनाई गई थी। ईद उल अज़हा जो कि सेकंड मेजर मुस्लिम फेस्टिवल है ईद उल फितर के बाद। अब ईद उल फितर कब आती है? वो रमज़ान के एंड पे आती है, एंड ऑफ रमज़ान, जबकि ईद उल अज़हा हज के एंड पे आती है। तो हज को हम डिस्कस बाद में इसी स्लाइड में करते हैं आगे। अब ईद उल अज़हा किस दिन मनाई जाती है? ये 10th डे ऑफ जुलहज, जो कि ये 10वें जुलहज के 10वें दिन मनाई जाती है, जो कि 12th एंड लास्ट मंथ ऑफ मुस्लिम ल्यूनर कैलेंडर, जो कि मुसलमानों का 12वां और आखिरी महीना है मुसलमानों के कैलेंडर का। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मैनी कंट्रीज़ हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर पब्लिक टुगेदर इन पब्लिक प्लेसेस, लाइक पाकिस्तान, UAE एंड अल्जीरिया हैव अनाउंस स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक गैदरिंग्स। जिन पांच चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, उनमें पहली चीज़ है ओरिजिन, कि आखिर ईद उल अज़हा किस तरह वजूद में आई। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्व की गई थी प्रॉफिट इब्राहिम से, जब अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया था उनके पहले बेटे की पैदाइश के वक्त, कि वो उन्हें अल्लाह की राह में ज़बह करें। इब्राहिम वाज रेडी टू सबमिट टू कमांड ऑफ अल्लाह, बट अल्लाह सेव्ड हिज सन एंड एक्सेप्टेड द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल लाइक लैम और शीप। सिमिलर स्टोरीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन तोरा और या ओल्ड टेस्टमेंट, जिसे हम इंजील मुकद्दस कहते हैं, वहाँ पे भी इसी किस्म की स्टोरीज मिलती हैं हमें। कुरान मजीद में इसका सबूत है सूरह नहल, जो कि 16 नंबर कुरान की सूरह है, उसकी आयत नंबर 120 एंड 121 में। इसमें प्रॉफिट इब्राहिम की वर्चुनस एंड सेक्रीफाइस को बयान किया गया है। दूसरा सिग्निफिकेंट जो रीज़न है इस ईद को याद रखने का, वो है एंड ऑफ हज। बेसिकली ये ईद हज के एंड होने पर मनाई जाती है। अब हज क्या है? हज एक 5-डे पिलग्रिमेज है जिसको मुसलमान अदा करते हैं सऊदी अरब के शहर मक्का में जाके। हर साल ऑलमोस्ट 25 लाख लोग हज करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के बायस ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लोग ही हज में इन्वॉल्व हो सकेंगे, एंड दिस इज़ अ मैसिव लॉस फॉर द इकॉनमी ऑफ सऊदी अरबिया। द थर्ड थिंग दैट इज़ ईद प्रेयर्स। स्पेशल प्रेयर्स आर ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बोथ ईद, ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा, और मास्क आर पैक्ड विद वर्शिपर्स, बट एट दिस ईयर इन 2020 मॉस्क विल बी विजिटेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ अटेंडीज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। द नेक्स्ट थिंग इज सेक्रीफाइजिंग ऑफ एनिमल, दिस इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द ईद उल अज़हा। इसमें क्या होता है? जानवर को कुर्बान किया जाता है, जिसमें कोई भी गोट हो सकती है, शीप हो सकती है, काओ हो सकती है या ऊँट हो सकता है। बहुत से मुसलमान ममालिक में लाइफ स्टॉक की मंडियाँ लगती हैं जहाँ से जानवर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा बांग्लादेश और इंडिया में कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स भी एक्टिव हुई हैं जहाँ से आप ऑनलाइन जानवर खरीद सकते हैं टू लिमिट द एक्सपोजर टू वायरस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट। इट इज़ प्रेफरेबल कि आप जो जानवर का गोश्त होगा ये ख़ुद भी खा सकते हैं, आप गरीबों को भी दे सकते हैं, एंड इट इज़ मेंशन इन द कुरान। बट इट इज़ प्रेफरेबल टू डिवाइड द मीट इन 3 ग्रुप्स,
वन फॉर योरसेल्फ, वन फॉर फैमिली और रिलेटिव्स एंड वन फॉर पुअर्स एंड नीडीज हु नीड देम। इन पाकिस्तान दिस ईयर ऑनलाइन कुर्बानी हैज़ आल्सो बीन इंट्रोड्यूस। एक्चुअली दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दिस ईयर दिस वॉज दिस प्लेड अ वेरी वेरी चंक रोल। इसमें क्या होता है, आप ऑनलाइन पे कर देते हैं पर्टिकुलर ट्रस्ट को, जैसे ईदी वेलफेयर वाले हैं या सैलानी ट्रस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन इलाकों में जा कर कुर्बानी करते हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद गरीब गुरबा रहते हैं। तो इस तरह क्या होता है जी के पुअर तक, डिसेबल्ड पीपल तक उनका हिस्सा पहुँच जाता है। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा सेक्रीफाइस ज़्यादा है, ना घर वालों के लिए गोश्त है ना खुद के लिए गोश्त है। दिस इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, काइंडली डोंट टेक इट पर्सनली। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, एंड पीडीएफ के लिए आप लोग फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप पीडीएफ भी मिल जाएगा इस भी लेक्चर का एंड बाकी जितने भी लेक्चर हैं हमारे उनका। थैंक यू वेरी मच।